आपका दोस्त, आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली अनवर कुरैशी हेल्थ कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही एक उम्दा टॉपिक लाया हूँ, बहुत ही कठिन और जटिल बीमारी या जटिल सिंड्रोम या जटिल तकलीफ जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है अस्थमा। इंग्लिश में उसे अस्थमा कहते हैं, हिंदी में उसे दमा कहते हैं और मराठी में भी दमा कहते हैं। दमा और अस्थमा में बहुत से लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि दमा अलग है अस्थमा अलग है, इन दोनों भी एक ही है। अस्थमा से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम है जिसको COPD कहते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, वो एक अलग प्रकार का सिंड्रोम है। तो आज जो मैं डिसीज सिंड्रोम के सिम्टम के बारे में या सिंड्रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको अस्थमा कहते हैं, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैंने जो 80% पेशेंट देखा है वो अस्थमा से रिलेटेड हैं, उन्हें ज़्यादा या कम मात्रा में दम लगता ही है। लेकिन और एक बात बताऊंगा तो इसमें आप ताज्जुब करेंगे कि बहुत से पेशेंट्स को ये मालूम ही नहीं कि उन्हें अस्थमा है। अब क्यों मालूम नहीं है, उसके बहुत सारे वजह हैं कि उन्हें डॉक्टर ने बताया नहीं है, या डॉक्टर उसकी तरफ निगलेक्ट कर रहा है, या डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बहुत से ऐसे पेशेंट रहते हैं कि जो डॉक्टर ने बताने के बाद भी ही उसे मान्य नहीं करते कि मुझे अस्थमा है। उनको लगता है कि अस्थमा मतलब सोशल स्टिग्मा कि उसके मेडिसिन कैसे लेंगे। या बहुत से डॉक्टर हैं जो अस्थमा है उनको समझ में आता है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट से दूर रहता है। तो आज अस्थमा के बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे कि अस्थमा मतलब क्या। अस्थमा को एक हम ऐसा सोचेंगे कि अस्थमा जो है ये कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, इस तकलीफ के वजह से बहुत सारी दूसरी तकलीफ होती है। अस्थमा की वजह से ही BP बढ़ सकता है, अस्थमा की वजह से ही शुगर हो सकता है, अस्थमा की वजह से ही बार बार सर्दी खांसी कफ हो सकता है, अस्थमा की वजह से थायराइड भी हो सकता है, अस्थमा की वजह से वेट गेन भी हो सकता है, अस्थमा की वजह से यूरिनेटरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अस्थमा की वजह से GI ट्रैक्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अस्थमा की वजह से जनरल वीकनेस आ सकती है, और अस्थमा की वजह से मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, अस्थमा की वजह से बॉडी की ग्रोथ नहीं हो सकती, अस्थमा की वजह से चेहरे पे रैशेस या स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। अस्थमा अस्थमा अस्थमा। सो प्यारे दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि मैंने अस्थमा के बारे में जो बातें बताए हैं या दमा के बारे में जो बातें बताए हैं वो वाकई लाजवाब है, क्योंकि और आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको मुझसे जुड़ के रहना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अभी अस्थमा से और एक प्रॉब्लम की जिसको मैं बात करूँगा कि इसोफेजियल गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको हम OESD सिंड्रोम है, जो कि इसोफेजियल गैस्ट्रो इसोफेजियल सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बार बार उल्टी होना ऐसा या बार बार ढेकर आना ऐसा लगता है। ओ, 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 ओ। ऐसा उसमें होते रहता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे बार बार डकार आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी क्लियर किया है कि जिनको बार बार उचकी या गुचकी जिसको हम बोलते हैं या ढेकर बोलते हैं वो आ रहे थे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसको डायग्नोस किया तो उसको अस्थमा था, और अस्थमा का जब मेडिसिन दिया तो वो कम हो गया। तो अभी मुद्दे पे आते हैं कि अस्थमा कैसे होता है, क्यों होता है, क्या अस्थमा का कैसे समझ में आता है। दोस्तों, मैं आपको 3 प्रकार के ट्यूब बताऊंगा, आप देखिए गौर से। इस ट्यूब को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्लियर है, ये नॉर्मल इंसान का ट्यूब है, इसको ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं।
ये नॉर्मल इंसान का ट्यूब है, ये देखिए पूरा एकदम खुला हुआ है, इसमें कोई कफ नहीं है, कोई कफ नहीं है, इसके ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन सूजन भी नहीं है, नंबर वन। नंबर सेकंड स्टेप है जिसको हम कहेंगे, नंबर सेकंड जो है ये है, जो कि पेशेंट्स में या किसी व्यक्ति में बाद में उसके जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें कफ जमा होने लगता है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा कफ जमा हुआ है और ये इसका जो ल्यूमेन है इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसका ल्यूमेन है, लेकिन बाद में इसका ल्यूमेन कम हुआ है, ठीक है। इसमें कफ जमा हुआ है और बाद में इसके जो ऊपर के मसल्स हैं वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच हुए हैं। इसके बाद द लास्ट स्टेप, इसमें पेशेंट मिडल में रहता है, इस कंडीशन में व्यक्ति मिडल कंडीशन में है और इस कंडीशन में व्यक्ति ट्रिपल कंडीशन में, आखिरी कंडीशन में है। देखिए इसका जो है पूरा कफ से भर चुका है, सांस लेने के लिए जगह नहीं है और इसके ऊपर इसके जो ब्रोंकियल ट्रीज हैं या जो ब्रोंकियल मसल्स हैं ये देखिए कितना कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, कितना वो एकदम टाइट हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन कितना कॉन्ट्रैक्शन आ गया है देखिए। तो इन सब चीज़ों में इतने सारे तकलीफें आते हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। तो अभी ये चीज़ें जो हैं बार बार होते हैं, पहले कफ जमा होता है, फिर उसके ऊपर अंदर से कफ होता है, फिर बाद में उसका ब्रोंकियल का जो ल्यूमन है वो कम कम होते जाता है और ऊपर से जो है कॉन्ट्रैक्शन आता है, कंस्ट्रिक्शन जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और अंदर से इन्फ्लेमेशन, अंदर से सूज होती है। ये शुरू हो गया पेशेंट को कि उसको बाद में सर्दी लगता है, बाद में छाती में दर्द होता है ऐसा लगता है, बाद में उसको बार बार छींक आते रहता है, बार बार उसको जो है नाक में सूजन भी आता है, नाक में उसको नेजल पॉलिप हो सकता है, बाद में उसको जो है उसके टॉन्सिल्स पड़ सकते हैं गले के। तो ऐसे जब सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट या कोई व्यक्ति ऐसा बार बार बोलता है कि मुझे एलर्जी है, बाकी कुछ नहीं है। डॉक्टर बोलेगा तुमको दम लग रहा है, नहीं बोलेगा दम तो नहीं लगता डॉक्टर साहब, दम नहीं है लेकिन खाली हाँ एलर्जी है। तो आप मेरे को क्या कीजिए, एलर्जी का ट्रीटमेंट दीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है गलती होती है, हम आपको बता रहे हैं आपको अस्थमा है लेकिन आप बोलते हैं एलर्जी की ट्रीटमेंट हो, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है अगर इसमें ऐसा कंडीशंस आने लगा तो आपको समझने का कि इसमें जो है आपको थोड़ा भी दम लग रहा है और छाती में सुई सुई आवाज़ आ रहा है और बार बार कफ है एक महीने से ज़्यादा, तो उसको इमिडिएटली डायग्नोस करने का। अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये एक प्रकार का मशीन है जिसको हम ब्रीदोमीटर कहते हैं, देख लीजिए बराबर, इसको ब्रीदोमीटर कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो पाइप है ये छोटा सा हिस्सा इसको इसमें यहाँ पे रहता है, इसको मुंह में लेते हैं और इसमें ज़ोर से फूंकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा दूर रुकिए, लगभग 450 है, कम नहीं है, मेरा उतना ही है, और एक बार मैं ट्राई करता हूँ, लगभग 450 है, और एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है कि मुझे तो प्रॉब्लम है नहीं है फिर भी कम आ रहा है, तो और एक बार बढ़ाता हूँ, उतना है मतलब 450 के करीब मेरा है। इसके ऊपर जो है ऐसे मार्किंग है जिसके ऊपर हमें समझ में आता है। तो इस मशीन से हमें ये समझ में आएगा, अभी मेरा 450 है, 450 तक आ रहा है, ठीक है। अगर समझो मेरा 450 से कम आया है, इसको ब्रीदोमीटर है, ब्रीदोमीटर पे पीक फ्लोमीटर पे PFR, तो मुझे समझने का अंदर से जो है क्या समझने का भाइयों, अंदर से जो है स्वेलिंग चालू हुई है, अंदर से इन्फ्लेमेशन है, ऊपर से कंस्ट्रिक्शन है चालू है और मुझे जो है इसका मेडिसिन लेना है। ये भी देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर जो है अगर समझो कफ है और राइनाइटिस है, स्वेलिंग है, तो उसको जो है डेरिफालिन का टैबलेट देते हैं और बेटनिसॉल या डेक्सामेथन का टैबलेट देते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में ओरल टैबलेट उतना इफेक्टिव नहीं है, ओरल ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है। इसमें हम एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसे बोलते हैं इनहलेशन थेरेपी। मतलब क्या है, एक प्रकार का मशीन होता है, उसमें गोली डालते हैं और उसको खींचते हैं, और उससे क्या होता है, अंदर का जो इन्फ्लेमेशन कम होता है, ऊपर का जो कास्ट्रेशन है वो भी कम होता है। तो ये मशीन है, इसको बोलते हैं रोटाहेलर मशीन, ये अंदर से फिरता है, इसको है एक जो है ऊपर का जो है बड़ा हिस्सा है जिसको मुँह में लेके खींचते हैं, और ये छोटा हिस्सा है यहाँ पे गोली डालते हैं, उसको फिराते हैं, गोली टूटता है। मैं दिखाऊंगा, ये ऐसा गोली रहता है, इसको बोलते हैं रोटाकैप्स, इसको क्या बोलते हैं रोटाकैप्स। इसमें एक भाग है दूसरे कलर का और एक सफ़ेद कलर का भाग है, इस भाग को यहाँ से यहाँ तक डालना है ऐसा पूरा नीचे तक, फिर इसको फिराना है,
फिर आने के बाद ये टूटता है, ये टूटा नहीं, और एक बार लूंगा मैं, सफ़ेद भाग पूरा नीचे, अब इसको फिराऊंगा, देखिए टूट गया आधा, इसको ऐसा ऐसा करना है, फिर ये भाग को मुंह के अंदर पकड़ना है और ज़ोर से अंदर खींचना है, इसको ज़ोर से खींचना है, मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे अस्थमा नहीं है, खाली मैं डेमो बता रहा हूँ, मैं ऐसे ज़ोर से इसको पकड़ के अंदर खींचना है, जैसा कि कोई चीज़ अगर आप खींचते हो अंदर, आपको पता होगा ऐसा कोई खींचते हो, तो ये खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको खोलना है और जो भी गोली यहाँ पे अटकी है उसको ये भाग मैं निकाल रहा हूँ, उसको ये यहाँ पे जो आधा भाग है इससे यहाँ का निकालना है इससे को, और ये मशीन्स को दो से तीन दिन में एक बार धोना है और पलटी मार के रखना है, इसको जो है साफ नहीं करना। अभी ये जो टेक्निक है ये दिन में दो बार करना है, और ये करने के बाद डायरेक्टली कुल्ली करने का, मुंह में पानी लेकर कुल्ली, क्योंकि कुछ भाग जो है मुंह में रह सकता है। तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है अस्थमा का, जिस चीज़ का मैं बताया हूँ, जिसको बोलते हैं रोटाहेलर और रोटाकैप्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली 6 महीने या 3 महीने भी लेंगे तो आपका जो है ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुल रहेगा, आपको जो है अस्थमा जो है चला जाएगा। इसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यही बता रहा हूँ कि मेरे पास जो अस्थमा के पेशेंट आते हैं उनको मैं ये जब ट्रीटमेंट देता हूँ तो उनको बहुत 8 से 10 दिन में ही उनको फ़र्क पड़ता है, जो सालों से डेरीफाइलिन के टैबलेट, बेटनिसॉल के टैबलेट, सालबुटामोल के टैबलेट ले रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ट्रीटमेंट से उनको डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, इनका जो असर है वो ज़्यादा होता है और ये डायरेक्टली छाती में जाता है, पेट में नहीं जाता, तो इसका संबंध शरीर के दूसरे भाग से नहीं आता। दोस्तों ये ट्रीटमेंट इनहेलेशन थेरेपी आपको लेना ज़रूरी है। अगर कोई डॉक्टर आपको इनहेलेशन थेरेपी नहीं दिया है, आपको अस्थमा दम है, तो इनहेलेशन थेरेपी आप जो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसे में एक रोटा कैप आता है जिसका नाम है फुल फॉर्म रोटा कैप 200 mcg, वो दिन में 2 बार खींचिए, आप 2 से ज़्यादा हो तो 3 बार खींचिए, आपका तकलीफ कम होगा। और इसी के साथ आप कुछ न्यूट्रिशन कुछ सप्लीमेंट लीजिए, हमारे पास एक ग्रेप सीड नाम का सप्लीमेंट है और एक प्रोटीन पाउडर है जो कि अस्थमा में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों अगर अस्थमा के मैंने ये सब ट्रीटमेंट अच्छी तरह के फॉलो किए हैं तो इससे रिलेटेड बीपी, शुगर, दमा, थायराइड जो है वो सभी कम हो जाएंगे, राइनाइटिस नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या है क्या नहीं, ये आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी है 80% लोगों को है, लेकिन बहुत से लोगों तक ये नॉलेज गया नहीं है। सो मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी आज आपसे विदा लेता हूँ, ये सोच के कि मैंने कुछ आज अच्छा किया है और किसी को तो भी इसका फ़ायदा होगा।